अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे भावा पिट्ठा। भावा पिट्ठा बनाने के लिए ये है नारियल, एक तोड़ के इसको घिस लिया है। इसके लिए मैं एक मिक्सर जार ले लेती हूँ, ये मुँह में लगेगा इसीलिए थोड़ा पीस लेंगे। पीस के लिए आती हूँ। यह है चावल का आटा, थोड़ा बहुत मैदा और स्वाद अनुसार नमक। इसके लिए चाहिए एक बोल लिया है, एक मेजरमेंट कप का, एक कप चावल का आटा लिया है। ये बाजार का है, ये भी सही होगा, और जिसके घर का हो तो उनका मजा ही कुछ अलग है। जिसके घर में पिसा हुआ आटा है उसमें तो बहुत टेस्टिंग होगा, ये भी होगा टेस्टिंग, बाजार में सब मिलते हैं। इसमें दे दिया है छोटा मेजरमेंट कप का हाफ कप मैदा। स्वाद अनुसार नमक तो देखे, अच्छी से हाथ से पाइल कर लेंगे। हाथ से इसको नमक आटा सारे मिला लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही नॉर्मल पानी डाल के इसी तरह इसको पाइल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी देके इस तरह एक बैटर बनेगा। और थोड़ा पानी देके इसको थोड़ा पतला बना लेंगे। इसको अच्छी से मिला लेंगे। मिलाने के लिए चाहिए ये वाले, इसमें मिला लेंगे। इसको अच्छी से फेंट लेंगे। इस तरह से बैटर बनेगा। हमारे बैटर बन गया है, इसको ढक देंगे। इसको ढककर 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तब तक नारियल पका लेती हूँ। यह खेजूर का गुड़ है, मैं फ्रिज में रख दिया था, इसको थोड़ा पका लेंगे। पका के इसको छान लेंगे। पका लेंगे गुड़ हम अच्छी से पका लिया है, इसको हम छान लेंगे। गुड़ हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। पूर बनाने के लिए हम पैन बिठा दिया है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर डाल के इसको अच्छी से मिला लेंगे। इसमें डाल देंगे नारियल, नारियल डाल के थोड़ा बहुत भून लिया है। इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, मीठा चीज़ में नमक देने से स्वाद बढ़ता है। अरे नारियल, एक नारियल सॉरी एक गुड़, खेजूर गुड़,
पका के इसको फेंकाल लिया था। दाल को इसको अच्छे से पका लेंगे, मिला लेंगे। अच्छी से पका लेंगे, सूखा सूखा कर लेंगे। हमारे पूर पक गया है, हम चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको ठंडा होने देंगे। अब भावा पीठे बनाने के लिए हमारे आटा भी गूंथ गया है, नारियल का नारियल भी पका लिया है। इसमें लगेगा प्याली, प्याली में बनाएंगे। चाहिए था इस टाइप का प्याली, अभी एक ही मिला है, एक तो मिला और एक मिला नहीं है। वो जो जैसे वैसे है ऐसे वैसे लेके हम एक पीठे बना लेंगे। आपके पास अगर इस साइज़ का हो तो एक ही साइज़ का सारे बनाना, अच्छा लगेगा। और मेरे पास वो है, यही बना रहा है। इसको मैं पहले तेल ब्रश कर लेती हूँ प्याली में। अभी भी तेल ब्रश कर लिया है। ये फूल को हम इस तरह एक एक करके ऐसे बना लेंगे। ऐसे करके बना लेंगे, फूल सारे बना लिया है। बेटा ले लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे एक इनो, आप खाने का सोडा भी डाल सकते हो। डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के इसको एक पूर दे देंगे। इस तरह हम डाल देंगे। इसमें भी एक पूर दे देंगे। सारे डाल लिया है, तीन पूर बच गया है और ये सब बना लिया है। अब डालेंगे स्टीम में। स्टीम में डालने के लिए हम एक बड़ा पतीला में पानी डाल दिया है। मेरे पास ये वाले जाली है, आजकल तो बाजार में बहुत सारे खरीदने मिलता है, फिर भी घर में जो चीज़ है घर वो भी बन जाएगा, बहुत ही आसानी इजी में बन जाएगा। इसमें हम एक एक प्याली बिठा देंगे। बिठा दिया है, इसमें हम एक कपड़ा भी डाल देंगे ताकि इसका पानी ना पड़े, स्टीम का पानी इसका अंदर ना पड़े। इसके लिए 10 मिनट के लिए ढक देंगे। और हमारा 10 मिनट हो गया, हम खुल के देखती हूँ। वाओ माशाल्लाह हो गया है। हम इसको ठंडा करके दिखाती हूँ। जब भावा पीठे ठंडा हो गया है, हम इसमें प्लेट में डाल लेंगे।
पहले इसको इस तरह से चाकू से करेंगे, उसके बाद प्लेट में डाल लेंगे। भी हाँड़ी पतीला जो भी बर्तन है किसी से भी बन जाएगा, ये टिफिन बॉक्स जो भी हो ये बन जाएगा। अब बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, कोई भी बना सकता है। और मेरे वाले जो रेसिपी आपको कैसे लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, शेयर करना। देखते हैं, एक काट के देखती हूँ। पलट देती हूँ, सच में बहुत ही अच्छा बना, टेस्टिंग भी है, हेल्दी भी है, स्टीम भी हुआ अच्छे से। मेरे वाले भापा पीटा आपको कैसे लगा, कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, घर में एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।